एक बार की बात है, राम जी चित्रकूट निवास कर रहे हैं और प्रतिदिन सीता मैया का ये नियम था कि सीता जी फूल चुन करके लाती थी और उन फूलों से एक हार बना करके रघुनंदन को पहनाती थी। प्रतिदिन ये काम करती थी सीता जी, लेकिन आज ये काम किया है राम जी ने। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता जी तो सिर्फ माला बना करके पहनाती थी। एक दिन आश्रम में जब लक्ष्मण जी नहीं थे तो राम जी ने अपने हाथों से खूब सारे सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों को, पुष्पों को चुना और चुन करके राम जी ने भूषण, निज कर भूषण, अपने हाथों से आभूषण बनाए हैं, फूलों के गहने बनाए हैं। और फूलों के गहने बना करके सीता ही पहिराए प्रभु सादर। सीता जी का प्रभु ने श्रृंगार किया है, गले में हार पहनाया है, हाथों में फूलों के कंगन बना के पहनाए हैं, बालों में फूलों का गजरा लगा दिया है, पैरों में फूलों की पायल पहना दी है, कमर में फूलों का करधन पहनाया है। ब्रह्म ने शक्ति का श्रृंगार कर दिया, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। बड़े प्रेम से राम जी ने सीता जी को पहनाए और बैठे फटिक सिला पर सुंदर पहना करके राम जी एक शिला पर बैठ गए। ये दृश्य देखा इंद्र के पुत्र जयंत ने। किसने देखा? इंद्र के पुत्र जयंत। पहली गलती तो उसकी यही है कि जब पति पत्नी एकांत में है और तुमको लगा कि एकांत में है तो तुमको क्या जरूरत थी वहां जाने की, और मान लो पहुंच भी गए तो जरूरत क्या थी देखने की, लौट आते। तो इंद्र का पुत्र जयंत, उसने ये सारी लीला भगवान राम जी की देखी। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, जब उसने ये सारी लीला देखी तो उसके मन में आया, ये कामी पुरुषों की तरह पत्नी को प्रेम करने वाला, ये कामियों की तरह पत्नी का श्रृंगार करने वाला क्या ब्रह्म हो सकता है? वो पागल इतना भी नहीं समझ पाया कि ब्रह्म पत्थर का थोड़ी है, ब्रह्म में भी तो हृदय है, ब्रह्म की भी तो पत्नी है, ब्रह्म भी तो प्रेम करना जानता है। और अभी तो वो पति पत्नी के रूप में है और पति पत्नी के जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो वो जीवन फिर तो नीरस है, बेकार है। तो वो पति और पत्नी के रूप में है और ब्रह्म है तो क्या हुआ? ब्रह्म की भी तो अर्धांगिनी है, ब्रह्म के साथ उनकी शक्ति है। और आज ब्रह्म ने जब शक्ति का श्रृंगार किया तो ये देख के उसको आश्चर्य हुआ, ये क्या है, भगवान भी प्रेम करते हैं? अरे वो तो जगत से प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम तो उन्हीं में भरा हुआ है, भगवान में। लेकिन उस मूढ़ की बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई, उसको लगा अरे बाप रे, ऐसा भी होता है, भगवान भी प्रेम करते हैं, भगवान भी ये कामियों की तरह लीला करते हैं, भगवान भी पत्नी का श्रृंगार करते हैं। उसके मन में जब ये बात आई तो उसने एक कौए का रूप बनाया। वो राम जी के बल को जानना चाह रहा है कि ये सचमुच ब्रह्म है या लोग पागल बने हुए हैं कि इस वनवासी को भगवान बना करके बैठे हैं। तो सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। क्या चाह रहा है वो? राम जी के बल को देखना चाह रहा है। और उस कौए ने क्या कर दिया? सीता जी बैठी हुई थी और सीता चरण चोंच हति भागा। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि उस कौए ने भगवती जानकी के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। रामचरितमानस में तो सिर्फ गोस्वामी जी ने चरण लिखा है, यदि हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि उस धूर्त ने इतनी बड़ी धूर्तता की कि चरणों के साथ उनके घुटने पर और सीता जी की जंघा पर भी उसने अपनी चोंच से प्रहार किया है।
तो सीता जी के पैरों से खून की धारा बहने लगी और राम जी ने देखा तो राम जी को क्रोध आ गया। और जब राम जी को क्रोध आया तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भय पावा। राम जी ने धनुष उठाया और बाण नहीं एक तिनका उठा करके प्रेरित करके अभिमंत्रित करके उसको बाण पर चढ़ाया और धनुष पर चढ़ाया और जब छोड़ा तो जैसे ही छोड़ा तो आगे आगे वो कौआ और पीछे पीछे राम जी का बाण। राम जी का बाण चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। सीक का बाण राम जी ने संधान किया है, भागा वहां से। और जब भागा तो सबसे पहले भागते भागते दौड़ते भागते हुए पहुंचा कहां, अपने पिता के पास। अभी तक कौए के रूप में था लेकिन अब माता पिता के सामने जाकर कि उसने अपने स्वयं के रूप में पहुंचा है, जयंत के रूप में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, सीख का बाण संधान किया है। और सबसे पहले वो इंद्रलोक अपने पिता के माता पिता के पास पहुंचा है कि शायद मेरे पिता मुझको बचाएं। जब भागते भागते पहुंचा, पहले तो पिता ने फिक्र की कि क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, क्यों परेशान हो, लेकिन जैसे ही उसने बताया कि मुझसे अपराध हुआ है और अपराध किसका हुआ है, राम जी का। और अपराध कोई छोटा मोटा तो है नहीं, इतना बड़ा अपराध करके आया है। और जब इंद्र ने यह बात सुनी तो इंद्र ने भी हाथ खड़े किए कि तुम भले मेरे पुत्र हो लेकिन जिनका अपराध करके तुम लौटे हो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्म से विमुख हो जाता है माँ उसको मृत्यु के समान दिखाई पड़ती है, पिता उसको श्मशान की तरह लगने लगता है। जो ब्रह्म के विमुख होता है माँ मृत्यु की तरह, पिता श्मशान की तरह, एक मित्र 100 शत्रुओं की तरह दिखने लगता है और गंगा नदी बैतरणी के समान लगने लगती है और अमृत भी विष की तरह लगने लगता है जो राम जी से विमुख हो जाता है और राम जी जिससे विमुख हो जाते हैं। राम जी विमुख हुए, पिता ने हाथ खड़े किए कि जिनका अपराध तूने, तू पागल हो गया था, किनकी परीक्षा लेने, किनके बल को तू परखने गया। माता पिता ने कहा हम नहीं बचा सकते, इंद्र ने हाथ खड़े किए। जब इंद्र ने हाथ खड़े किए तो विचार किया क्या करूं, तो भागते 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 ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने भी सारी बात समझी तो ब्रह्मा जी ने भी कहा इतनी बड़ी मूर्खता की कैसे तुमने, रघुनायक का अपराध और अपराध भी इतना बड़ा कि भगवती सीता के चरणों में चंचुका प्रहार करके तुम आ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी ने रक्षा नहीं की तो भाग करके कैलाश पहुंचा भगवान शंकर के पास। और देखो भगवान शंकर तो इतने भोले हैं कि शरण में आए हुए को शरण में लेते हैं, लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना कि उसका अपराध बहुत बड़ा है तब भगवान शंकर ने कहा कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो वो बाण तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, सिर्फ तेरे पीछे पड़ा है, मैं अपने त्रिशूल से तुझे मार ही डालूंगा क्योंकि तूने राघव का अपराध, रघुनायक का अपराध किया है, भाग यहाँ से। भगवान शंकर ने भी उसको जाने को कहा। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकय ब्रह्म कर द्रोही, काहू बैठन कहा न ओही और राखी को सकय ब्रह्म कर द्रोही। किसी ने उसको बैठने तक नहीं बोला, सभी ने उसको भगाया, जहां जहां वो गया सभी ने कहा कि तुम जाओ हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म से विमुख हुआ है और ब्रह्म उससे विमुख हुए हैं, अपराध बहुत बड़ा है उसका, इसलिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भागते 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 एक स्थान पर उसको नारद जी मिल गए। अब जब नारद जी मिले तो नारद जी हैं संत,
नारद जी कौन है? संत। तो नारद जी जयंत को मिले हैं, और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने रोका कि भैया रुक, क्या हुआ तुझे? जयंत कहता मेरे पास समय नहीं है रुकने का। नारद जी बोले क्यों क्यों नहीं है? जयंत ने कहा वो पीछे देखो, राम जी का बाण आ रहा है मुझे मारने के लिए। नारद जी ने कहा तूने किया क्या? कहा मेरे पास बताने का समय नहीं है, मैं रुका तो वो मार डालेगा मुझे। नारद जी ने कहा पागल तू अब तक नहीं समझा, उसको मारना होता तो तू जितना घूम रहा है ना उतना भी नहीं घूम पाता, कब का मार दिया होता, इसलिए रुक और मुझे बता बात क्या है। जयंत ने नारद जी को सारी बात बताई कि नारद जी मुझसे राम जी का अपराध हो गया है। नारद जी बोले अपराध कैसा? कहा भगवान अपराध बहुत बड़ा है कि कौवा बनकर के सीता जी के पैर में मैंने चोंच का प्रहार किया, ये अपराध मुझसे, ये गलती मुझसे हुई है। नारद जी ने कहा अच्छा, तो तुम कहां कहां गए? कहा मैं ब्रह्मलोक गया, मैं शिवलोक गया, यहां तक कि मैं स्वयं अपने पिता के पास इंद्रदेव के पास गया, पर काहू बैठन कहा ना ओही, किसी ने मुझे बैठने तक को नहीं बोला, सभी ने यही कहा कि राखी को सके ब्रह्म कर दो ही, राम जी जिससे विमुख हो जाए उसको कौन बैठने बोलेगा। नारद जी हंसने लगे और नारद जी कहते हैं जयंत अब तुम मेरी एक बात मानो, जयंत अब तुम मेरी एक बात मानो। जयंत ने कहा क्या बात है? कहा बात यह है कि भैया जिनका अपराध तुमने किया है ना उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर जाकर के खड़े हो जाना। जयंत ने कहा आप ये क्या कह रहे हैं? उनके सामने जाऊंगा तो वो मार ही डालेंगे। नारद जी ने कहा तू अब तक उनको पहचाना नहीं, मैंने बोला ना मारना होता तो कब का तुझको मार दिया होता, लेकिन वो इतने कृपालु हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी यदि कोई उनकी शरण में जाकर के उनकी शरण को ग्रहण कर लेता है तो वे उसको भी क्षमा कर देते हैं, इतने कृपालु और दयालु हैं वो, तुम जाओ तो सही। जयंत ने कहा जाकर के क्या कहूंगा? नारद जी ने कहा जाकर के बस यही कहना है कि सरकार अभी प्रभाव देखने आया था, प्रभाव देख लिया, अभी प्रभाव देखने आया था तो प्रभाव का मुझे पता चल गया कि आपका प्रभाव इतना है कि काहू बैठन कहा ना ओही, किसी ने बैठने को आसन नहीं दिया और सबने अपने अपने धाम से मुझे निकाल दिया। यही कहा राखी को सके ब्रह्म कर द्रोही, ब्रह्म के विरोध करने वाले को, और राम जिससे विमुख हो जाए उसको कौन पास बुलाएगा। तो प्रभाव तूने देखा, यही जाकर के कहना कि सरकार अभी प्रभाव देखने आया था, प्रभाव देख लिया है, अब स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। सुना है कि आप बड़े कृपालु हैं, तो क्या सचमुच आप इतने कृपालु हैं? प्रभाव देखा है प्रभु, अब स्वभाव देखना चाहता हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। क्या शरण में आए हुए को आप सचमुच अपनी शरण में लेते हैं? नारद जी ने उसको समझाया कि राम जी के सामने चले जाओ, उनकी शरण ग्रहण कर लो, और बस हाथ जोड़ के यही कहना कि सरकार प्रभाव देखने आया था और प्रभाव मैंने देखा है प्रभु, अब स्वभाव देखने आया हूं। सुना है आप बड़े कृपालु हैं, सुना है आप बड़े दयालु हैं, तो मुझे अब आपका स्वभाव देखना है। जयंत ने नारद जी से कहा इतना कहूंगा तो क्षमा कर देंगे? नारद जी ने कहा तू जा तो सही, मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम जाओ तो सही और देखो वो कितने कृपालु हैं। नारद जी के कहने पर जयंत राम जी के पास पहुंचा है और दंडवत राम जी के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, नाथ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, भगवान मैं पहचान न सका। राम जी ने क्षमा तो कर दिया,
राम जी ने क्षमा किया है। पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनि कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन करी तजा भवानी। उसको क्षमा किया है लेकिन दंड भी दिया है। दंड क्या? एक नयन करी तजा भवानी, उसका एक नेत्र राम जी ने फोड़ दिया। दंड देना जरूरी था। जैसे जब हमारे घर के बालक बालिका, हमारे घर के बच्चे कोई बड़ी गलती करके आए, तो भले तुरंत माता पिता उन्हें कुछ ना कहें, लेकिन फिर दंड तो देते हैं, डांट तो लगाते हैं। क्यों? जिससे अगली बार इससे ये गलती ना हो। यदि दंड नहीं मिलेगा तो उसको लगेगा, अरे मम्मी पापा तो कुछ कहते नहीं, बार बार गलती करो। लेकिन गलती करने के बाद यदि उनको दंड मिल जाए, उनको सजा मिल जाए, उनको थोड़ी सी डांट फटकार लग जाए, तो वो फिर वो गलती नहीं कर पाएंगे। वो सोचेंगे कि नहीं, ये बुरी बात है, तभी तो माता पिता डांटते। तो राम जी के लिए तो सारा संसार संतान के जैसा है। जब जयंत पहुंचा है, और अपराध तो उसका इतना बड़ा था कि उसके प्राण भी ले सकते थे, लेकिन राम जी ने उसको क्षमा किया और क्षमा करके दंड दिया कि दोबारा इससे ऐसी कोई गलती कभी ना हो। भगवान शंकर माँ पार्वती से कह रहे हैं कि उसकी वाणी को सुन करके राम जी ने उसे स्वीकार भी किया है, पर दंड दिया, एक नयन करी तजा भवानी, उसका एक नेत्र फोड़ के उसको छोड़ दिया।